जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी टुडे न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि जून 2024 के महीने में आ चुकी है बम्पर भर्तियां। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए सरकारी नौकरियों की बम्पर वैकेंसी की जानकारी लेकर आए। तो दोस्तों नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो चुका है और आवेदन शुरू हो चुके हैं। अगर आप भी एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो 100% आपको एक सरकारी नौकरी मिलने वाली है क्योंकि बम्पर भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एक एक करके आप भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी के अभी आप वीडियो देखने के बाद में 10 की 10 भर्तियों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास है तो आप सभी के लिए बम्पर भर्तियां आ चुकी है। 95,500 से अधिक पदों पर ये भर्तियां निकाली गई है जो कि केवल सरकारी नौकरियां हैं। अगर आप भी एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं वो भी इसी साल के अंदर, तो आप जो है 100% एक नौकरी पा सकते हैं। तो भर्तियों की हम आपको पूरी जानकारी देंगे, बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोजाना आपको नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले मिल सके और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की नई भर्तियों के बारे में जो कि इस महीने जून की बम्पर भर्तियां हैं 2024 की। सरकारी नौकरियों के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। 95,000 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। कक्षा 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास सभी पास कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। वही दोस्तों इन भर्तियों के लिए जो उम्र सीमा है वो कम से कम 18 साल है, अधिकतम जो है 55 साल है। तो अगर आपकी उम्र है 18 से 55 तो आप आवेदन कर सकते हैं। और ये जो भर्ती है बिना एग्जाम के बिल्कुल सीधी भर्ती है, कोई भी एग्जाम आपका नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। आवेदन शुरू हो चुके हैं, 30 जून 2024 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो 30 जून 2024 तक आपको अप्लाई करना होगा। अगर आप रेलवे, पोस्ट ऑफिस, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो 30 जून से पहले अप्लाई जरूर कीजिएगा। भर्तियां निकल कर आ चुकी है, आवेदन किए जा रहे हैं। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो अभी के अभी अप्लाई कीजिएगा। चलिए कैसे अप्लाई करना है वो भी हम आपको बताते हैं ताकि आप सरकारी नौकरी पा सके। तो हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर हम आपको लेके चलते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है sarkaritodaynews.com। दोस्तों यहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। आप चाहें तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं, आपको सबसे ऊपर सबसे पहले ये वेबसाइट मिल जाएगी, आप जाकर के अप्लाई भी कर सकते हैं। तो एक एक करके आपको भर्तियों के बारे में जानकारी देंगे। बम्पर भर्तियां निकलकर आ चुकी है अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट से। सबसे पहले चलिए हम शुरू करते हैं पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की नई भर्ती के साथ, ठीक है। तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से आ चुकी है नई भर्ती जो कि इस साल 2024 की नई भर्ती है। दोस्तों पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो कि एक सरकारी डिपार्टमेंट है, सरकारी विभाग है, यहां से भर्ती निकाली जा चुकी है अलग अलग पदों पर। यहां पर सबसे पहले क्लर्क के पद हैं, जूनियर इंजीनियर जेएन के पद हैं, नर्सेस के पद हैं, लाइब्रेरियन के पद हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद हैं, केस वर्कर के पद हैं, हेल्पर के पद हैं, सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर के पद हैं। यानी कि अलग अलग पदों पर ये भर्तियां निकाली गई हैं। इसके आवेदन आपसे सिर्फ ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। मल्टीपल जॉब है, ऑल इंडिया की जॉब है। अगर आप इंडिया में, भारत में किसी भी राज्य या जिले में रहते हैं दोस्तों, आप सभी अभ्यर्थी जो है महिला पुरुष आवेदन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों इस भर्ती के लिए जो उम्र सीमा है वो कम से कम 18 साल है, अधिकतम जो है 45 साल है। तो अगर आपकी उम्र 18 से 45 तो आप आवेदन भी कर सकते हैं। वहीं चयन प्रक्रिया में सिर्फ आपका यहां पर इंटरव्यू लिया जाएगा। वहीं सैलरी की बात की जाए तो 5,200 से 20,200 रुपए महीना आपको सैलरी भी मिल रही है जो कि काफी अच्छी सैलरी है। और आवेदन शुल्क बिल्कुल फ्री है। जनरल ओबीसी एससी एसटी सभी श्रेणी के अभ्यर्थी जो है बिल्कुल फ्री में निःशुल्क अप्लाई कर सकते हैं। वहीं क्वालिफिकेशन में 8वीं 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन जो है 25 जून 2024 तक चलेंगे, तो 25 जून तक आपको अप्लाई करना होगा। ये रहा लिंक, यहां से अप्लाई कर सकते हैं, यहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब दोस्तों दूसरे नंबर की भर्ती की बात करते हैं जो कि भारतीय डाक विभाग की तरफ से निकाली गई है नई भर्ती। जी हां दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की तरफ से भी नई भर्ती का नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी हो चुका है, आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो इंडिया पोस्ट ऑफिस यानी कि भारतीय डाक विभाग से जो भर्ती निकाली गई है अलग अलग पदों पर भर्ती है। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के पद हैं, पोस्टमैन के पद हैं, मेल गार्ड के पद हैं, पीएएसए के पद हैं और क्लर्क के पद हैं। अलग अलग पदों पर यह भर्ती है, ठीक है। 1,10,000 पदों पर भर्ती है जिसके आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, ठीक है। अप्लाई सिर्फ आपको ऑनलाइन करना होगा। सिलेक्शन के प्रोसेस में सिर्फ आपका मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा, आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी, ना ही कोई आपका इंटरव्यू होगा, मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। वहीं दोस्तों सैलरी की बात की जाए तो 18,000 से 81,000 रुपए महीना आपको सैलरी मिल रही है जो कि काफी अच्छी सैलरी है। और इस भर्ती के लिए जो उम्र सीमा है वो कम से कम 18 साल है, अधिकतम 45 साल है। तो दोस्तों अगर आपकी उम्र 18 से 45 तो आप आवेदन कर सकते हैं और आई सीमा में छूट भी है सरकार के नियमानुसार। अब बात की जाए यहां पर आवेदन शुल्क की, तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए फीस है, वहीं एससी एसटी के लिए बिल्कुल फ्री है। और पेमेंट जो है दोस्तों आपको सिर्फ ऑनलाइन करना होगा, किसी भी माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट करा सकते हैं, ठीक है। और यहां पर योग्यता की बात की जाए तो कम से कम 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है।
अगर आप मान लीजिए केवल 10वीं पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं, अगर आप 12वीं या स्नातक पास भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके आवेदन जो है 25 जून तक चलेंगे, यहां से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारी जानकारी के लिए आप सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अब दोस्तों तीसरे नंबर की भर्ती की बात करते हैं, जो कि डीआरडीओ यानी कि आप देख सकते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से निकाली गई है। तो दोस्तों डीआरडीओ में जो नई वैकेंसी निकाली गई है अलग अलग पदों पर भर्ती है। जूनियर रिसर्च फेलो जेआरएफ के पद हैं आप देख सकते हैं, और रिसर्च एसोसिएट के पद हैं। ठीक है, इसके आवेदन सिर्फ आपको वॉक इन थ्रू के माध्यम से करने होंगे, यानी कि आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ आपका यहां पर इंटरव्यू लिया जाएगा। और ऑल इंडिया से मेल फीमेल सभी कैंडिडेट से आवेदन मांगे जा रहे हैं। अगर आप भारत के किसी भी राज्य या जिले में रहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। वहीं सैलरी 37,000 से 67,000 रुपए महीना आपको मिल रही है, और उम्र सीमा अधिकतम 35 साल है। आई सीमा में छूट है सरकार के निम्नुसार। वहीं योग्यता की बात की जाए तो यहां पर डिग्री पीजी और पीएचडी पास इनमें से कोई भी आपके पास योग्यता है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो इंटरव्यू होगा इसी एड्रेस पर आपको जाना होगा इंटरव्यू के लिए, और यहां पर आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा 21 जून तक। ठीक है, तो इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं, यहां पर लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं 18 जून से लेकर के 21 जून तक आप जो है इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। अलग अलग डेट पे अलग अलग पोस्ट के लिए आपको जाना होगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, एक और नई भर्ती की बात करते हैं जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स में निकाली गई है नई भर्ती। जी हाँ दोस्तों, एम्स न्यू दिल्ली में आ चुकी है नई भर्ती। इस साल 2024 की ये नई वैकेंसी है। जूनियर रेजिडेंट की पोस्ट पर भर्ती है 220 पदों पर, और इसके आवेदन सिर्फ आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। सिलेक्शन के प्रोसेस में सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा, आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी। वहीं सैलरी आपको 56,100 रुपए महीना सैलरी मिल रही है, जो कि काफी अच्छी सैलरी है। ऑल इंडिया की जॉब है, मेल फीमेल सभी के लिए, और एप्लीकेशन फी सभी के लिए फ्री है। क्वालिफिकेशन योग्यता की बात की जाए तो डिग्री एमबीबीएस और बीडीएस पास कैंडिडेट जो है इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक योग्यता है तो अप्लाई कीजिएगा, और इसके आवेदन 15 जून तक चलेंगे। ठीक है, यहां से आप अप्लाई भी कर सकते हैं और यहां से आप जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। 15 जून आप देख सकते हैं लास्ट डेट है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और नई रिक्रूटमेंट की, जो कि आप देख सकते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस की तरफ से निकाली गई है नई रिक्रूटमेंट। इस साल 2024 की ये नई भर्ती है। यहां पर जो भर्ती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की पोस्ट पर भर्ती है। वहीं बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज यानी कि बीपीएस की भर्ती भी है। तो दो प्रकार की भर्ती यहां पर निकाली गई है, और इसके आवेदन सिर्फ आपसे दोस्तों ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की जॉब है, मेल फीमेल सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यहां पर वर्क फ्रॉम होम और ऑफिस की जॉब निकाली गई है। वहीं सैलरी आप देख सकते हैं 5,00,000 तक आपको सैलरी मिल रही है। उम्र सीमा की बात की जाए तो कम से कम 18 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए अधिकतम एज पर रूल्स है। आवेदन शुल्क बिल्कुल फ्री है सभी के लिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन योग्यता में 10वीं 12वीं और डिग्री पास सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। वहीं चयन प्रक्रिया में इंटरव्यू लिया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके होंगे। ठीक है, यहां पर अप्लाई कैसे करना होगा वो भी प्रक्रिया यहां पर आपको बताई गई है ताकि आप अच्छे से अप्लाई कर सके। और ये रहा लिंक, यहां पर आपको क्लिक करना है, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे आईटी और बीपीएस के, तो आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको ईमेल आईडी से ओटीपी वेरीफाई करना होगा, फिर आपको ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा उसको भर के सबमिट करना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक और नई भर्ती की ओर, जो कि निकाली गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो दोस्तों एक एक करके आपको भर्तियों के बारे में जानकारी दी जा रही है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो भर्ती निकाली जा रही है इसके आवेदन आप दे सकते हैं ऑफलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, महिला पुरुष सभी के लिए। यहां पर जो पद है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद हैं, टैक्स असिस्टेंट के हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के पद हैं। वहीं सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। सैलरी 18,000 से 1,42,400 रुपए महीना है। वहीं उम्र सीमा जो है 18 से 30 साल रखी गई है, और आई सीमा में छूट भी है, और आवेदन शुल्क बिल्कुल फ्री है सभी के लिए। क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं और डिग्री पास कैंडिडेट जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुरू हो चुके हैं, यहां से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप बीएसएफ में भी नौकरी पाना चाहते हैं, भर्ती में जाना चाहते हैं, तो आपको बता दें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में भी आ चुकी है नई भर्ती। अलग अलग पोस्ट पर भर्ती है, हेड कांस्टेबल, एएसआई कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, अलग अलग पदों पर भर्ती है। 141 पद यहां पर जारी किए गए हैं जिसके आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। 17 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए, डिफेंस की जॉब है। सैलरी आप देख सकते हैं 21,700 से 1,12,400 रुपए महीना है। वहीं उम्र सीमा 18 से लेकर के 30 साल रखी गई है, और आईसीयू में छूट भी है। वहीं दोस्तों यहां पर जो आवेदन शुल्क है आप देख सकते हैं जनरल ओबीसी के लिए 100 है, जिसका पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना है। बाकी एससी एसटी फीमेल एक्सर्विसमैन के लिए फ्री है।
क्वालिफिकेशन में 10वीं ITI, 12वीं पास और ग्रेजुएट पास सभी अभ्यर्थी जो हैं इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल 17 जून तक चलेंगे। यहां से आप अलग अलग लिंक पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और यहां से आप जो है डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग लिंक पर नोटिफिकेशन आप चेकआउट कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी और अप्लाई भी कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एक और नई भर्ती की जो कि रेलवे की तरफ से निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC की तरफ से भी आ चुकी है नई भर्ती। यहां पर जो पद है वो है गुड्स ट्रेन मैनेजर के। 108 पदों पर भर्ती है जो कि ऑल इंडिया की भर्ती है। इसके आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। सैलरी 5 लेवल, आप देख सकते हैं लेवल 5 के अनुसार आपको मिल रही है 7 CPC के हिसाब से। उम्र सीमा जो है कम से कम 18 है, अधिकतम 42 है। आयु सीमा में छूट भी है। वहीं आवेदन शुल्क सभी के लिए फ्री है। जनरल OBC SC ST सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। और क्वालिफिकेशन में यहां पर ग्रेजुएट डिग्री पास कैंडिडेट जो है आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, पूरी की पूरी लिस्ट यहां पर है। और आवेदन करने के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है वो प्रक्रिया भी आपको यहां पर बताई गई है। तो अप्लाई कीजिएगा, 25 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में दोस्तों आपको भर्ती की पूरी जानकारी दे रखी है। अप्लाई करने से पहले इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। और वेबसाइट पर विजिट करके इन भर्तियों के अलावा और भी नई भर्तियां आ चुकी हैं उसकी भी जानकारी लेकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।